Let's learn another literary terms. Celtic Revival. Now, Celtic Revival, it is also known as a Celtic Renaissance. और ये जो था ये एक cultural और artistic moment था. और in a sense we can say this was a revival of Celtic culture. और Celtic culture में क्या आएंगे, Scotland आएंगे, Wales आएंगे, या फिर जो कह सकते हैं कि Ireland है वो आएगा, क्योंकि this culture was revived by three very important person. एक तो उसमें W.B. Yeats थे, दूसरे Lady Crockery थी, और तीसरे थे Douglas Hyde. और J.M. Singh के भी नाम आते हैं, he is again very important writer, जो कि बाद में इसमें वो जुड़े थे. तो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो important characteristics है वो था दोबारा से folklore को literature के अंदर introduce करना, है ना. इसके अंदर विजुअल आर्ट्स होते हैं, थिएटर परफॉर्मेंस होता है, नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड की बात होती है. सो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग देयर ओन नेशनल प्राइड, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन यू नो शोइंग देयर कल्चर, शोइंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर यू नो ऑन द स्टेज. तो आई होप दिस वॉज ऑल. इसमें मैंने इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थे उनके नाम मैंने पहले बता दिया. W.B. Yeats थे, J.M. Singh थे, लेडी ग्रॉगरी थी, है ना. तो दैट वॉज ऑल. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन.